हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर. वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स. आज का हमारा टॉपिक है लेटरल पेल्विक टिल्ट. अब लेटरल पेल्विक टिल्ट जो है उसमें या तो पेल्विक हिप हाइक होगा या ड्रॉप होगा. सिंपली समझते हैं तो जैसे ये मेरा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है. अब जो है हिप या तो हाइक होगा या तो ऐसे ड्रॉप होगा, तो उसके बारे में पढ़ना है. सबसे पहले पढ़ते हैं हिप हाइक. अब हिप हाइक में क्या होगा, ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है वो अपवर्ड और मीडियली मूव होगा. तो एंटीरियर इलियक स्पाइन जो है अपवर्ड और मीडियली हुआ, स्पाइन जो है सेम साइड में फ्लेक्स हुई, और ये जो हिप है वो एबडक्शन में गया. फिर से मैं दिखाती हूँ तो ज्यादा पता चलेगा. तो ये जो है हिप हाइक, सेम साइड स्पाइन फ्लेक्शन और साथ में हिप एबडक्शन हुआ. तो वही चीज यहाँ पे दी है कि हिप जब हाइक होता है तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो अपवर्ड और मीडियली मूव करता है, स्पाइन फ्लेक्शन होता है सेम साइड में. हिप गोज फॉर एबडक्शन. जो हाइक साइड का जो हिप होता है उसका एबडक्शन होता है. अब ये हाइकिंग होती क्यों है, तो ये हाइकिंग होती है ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम. क्वाड्रेटस लंबोरम QL मसल जो होती है उसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एंड स्पाइन के साइड फ्लेक्शन की वजह से ये होता है, उन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से. नेक्स्ट हमें पढ़ना है हिप ड्रॉप, जो इसी का अपोजिट है. हिप ड्रॉप में अब क्या होगा कि ये जो है हिप ड्रॉप हुआ. अब हिप जो है ड्रॉप होगा तो ध्यान से देखना, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो डाउनवर्ड गया, वो डाउनवर्ड गया, और यहाँ से स्पाइन देखना तो ये अपोजिट साइड फ्लेक्स हुई. ये जो है हिप इस साइड पे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन डाउनवर्ड गया, ये एडक्शन में आया हिप, और ये जो स्पाइन है वो अपोजिट साइड की फ्लेक्शन में गई. अब फिर से मैं एक बार करती हूँ, आप ध्यान से देखना सारी मूवमेंट्स इस तरह से. तो ये हुआ हिप ड्रॉप. तो इसमें ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो इंटीरियरली मूव होगा, स्पाइन अपोजिट साइड पे साइड फ्लेक्शन होगा, हिप जो है जिस साइड ड्रॉप हुआ है उस साइड का हिप एडक्शन होगा. पेल्विक ड्रॉप होता क्यों है, पेल्विक ड्रॉप जो है अपोजिट साइड्स के हिप एबडक्टर की वीकनेस की वजह से होता है. जैसे कि ये मेरा राइट साइड है, राइट साइड में पेल्विक ड्रॉप हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जनरली जब हम जो है हिप जो है जैसे ड्रॉप होता है ये अपोजिट साइड्स के एबडक्टर मसल की वीकनेस की वजह से होता है. नॉर्मली अगर कोई पर्सन नॉर्मल है जिसमें वीकनेस नहीं है एबडक्टर्स की तो वो इस तरह से खड़ा होगा, लेकिन अगर कोई पर्सन वन लेग स्टैंडिंग बोले और वो इस तरह से ड्रॉप कर ले, जैसे कि राइट साइड से ड्रॉप किया, तो उसके लेफ्ट साइड के हिप एबडक्टर्स में वीकनेस की वजह से ये मूवमेंट होगी. इसको हम ट्रेंडनबर्ग साइन भी बोलते हैं, ट्रेंडनबर्ग साइन, जो हिप एबडक्टर्स के वीकनेस को चेक करने के लिए ही होता है, ट्रेंडनबर्ग साइन. तो ये था लेटरल पेल्विक टिल्ट. अब इसी में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेटरल पेल्विक शिफ्ट. पेल्विक टिल्ट और पेल्विक शिफ्ट दोनों अलग अलग टॉपिक हैं. अब हम पढ़ेंगे पेल्विक शिफ्ट. अब नेक्स्ट है लेटरल पेल्विक शिफ्ट. हमने पढ़ा लेटरल पेल्विक टिल्ट में कि हाइक और ड्रॉप होता है, और वो यूनिलेटरल स्टांस में हमने दिखाया भी. अब हमें देखना है लेटरल पेल्विक शिफ्ट. शिफ्ट और टिल्ट दोनों अलग होते हैं. टिल्ट में हिप हाइक और ड्रॉप होता है और वो यूनिलेटरल स्टांस में देखते हैं. अब पेल्विक शिफ्ट जो है वो बायलेटरल स्टांस में देखते हैं. अब शिफ्ट में क्या होगा पेल्विक्स में, जैसे कि इस तरह से पूरा शिफ्ट होगा. एक साइड पे मैं पूरा वेट ले रही हूँ, ये साइड राइट साइड पे पूरा वेट लिया तो ये शिफ्ट हुआ. यहाँ पे पेल्विस जो है, अगर आप ऐसे पूरा हाथ रखते हो ये यहाँ पे, तो वो पूरा आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. पेल्विस आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये जो हिप है सेम साइड जिस पे वेट लिया है
वो कैसे जा रहा है एडक्शन में, और ये जो नॉन वेट बेयरिंग साइड है वो कैसे जा रही है एबडक्शन में। तो ये अगर हमें बताना है राइट पेल्विक शिफ्ट, तो ये मेरी राइट साइड है, तो ये हुआ राइट पेल्विक शिफ्ट। राइट हिप जो है वो एडक्शन में गया है और जो लेफ्ट है वो एबडक्शन में गया है। तो यहाँ पे वही दिया है कि शिफ्ट में जो वेट बेयरिंग साइड होती है वो एडक्शन में जाती है और जो नॉन वेट बेयरिंग साइड होती है वो एबडक्शन में जाती है। तो ये था पेल्विक शिफ्ट और पेल्विक टिल्ट के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।